हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं निधि सो so, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं मेरा ब्रेस्ट पंप जो है उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी बेसिकली आपको उसको आ, असेंबल करके दिखाऊंगी और उसको किस तरीके से आप प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था ब्रेस्ट पम्प से रिलेटेड कुछ डाउट्स एंड मिथ्स तो वो आप ज़रूर देखिएगा उससे आपको समझ में आएगा कि आपको ब्रेस्ट पम्प वाकई में वाकई में आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है और आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो उस वीडियो में दूर हो जाएंगे फिलहाल आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मेरे पास जो मेरा ब्रेस्ट पंप है उसके बारे में आ, इसका रिव्यू भी हो जाएगा इसका अनबॉक्सिंग भी हो जाएगा इसको कैसे अरेंज करते हैं किस तरीके से प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं वो भी आपको बताऊंगे कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताऊँगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका जो ब्रेस्ट पम्पिंग का एक्सपीरियंस है वो स्मूद हो सके तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so फ्रेंड्स ये है मेरा मीमी का मैनुअल ब्रेस्ट पंप आपको दो तरीके के ब्रेस्ट पंप अवेलेबल है मार्केट में एक तो है ये मैनुअल ब्रेस्ट पंप और एक इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड भी आजकल आता है तो आप कोई भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ है तो आप इलेक्ट्रिक वाले पे जा सकते हैं और अगर आप मेरी तरह कभी कभी यूज़ करते हैं दिन में दो तीन बार यूज़ करते हैं तो आप मैनुअल ब्रेस्ट पंप भी ले सकते हैं तो मैंने मैनुअल वाला लिया था सो so, ये मीमी ब्रांड का है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टोर्स पर मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पर भी आराम से मिल जाएगा सो इसकी अगर कुछ खास बातें हैं जो यहाँ पर मैंशन है वो है बी फ्री

अलग अलग डिस्काउंट टाइम पे ये आपको अलग अलग मिल जाएगा ये वन थाउजेंड का है मुझे जो मिला है वन थाउजेंड में मिला है ये एंड uh, इसके साथ ये बस इसी तरीके के बॉक्स में आता है यहाँ पर पूरा आपको सब बताया है कि किस तरीके से कैसे आपको इसको यूज़ करना है वो सब इसमें गाइड uh, किया हुआ है तो चलिए मैं इसके अटैचमेंट्स आपको दिखा देती हूँ तो अंदर से कुछ ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है हाँ uh, मैंने इसे बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है फ़ॉर ऑब्वियस रीजंस सो ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा मैं आपको एक एक अटैचमेंट से इसका दिखा देती हूँ तो so, इसमें एक ही अटैचमेंट आता है यहाँ पर से मिल्क जो है वो निकलता है और स्टोर हो जाता है बॉटल में इसके साथ आपको एक छोटी बॉटल भी मिलती है जो इसका प्लस पॉइंट है सो so, ये एक आ, मैं आपको दिखा देती हूँ ओके okay, सो so, ये इसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें आती है इसमें एक छोटी बॉटल आपको मिलती है छोटी बॉटल इसमें पहले से आपको दी हुई है इसके साथ में आपको ये बॉटल का ढक्कन कवर टीप वगैरह सब मिलता है ये इस तरीके का और साथ में इसमें एक स्टॉपर भी मिलता है जैसे कि अगर आप बॉटल को बॉटल में मिल्क को स्टोर करना चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ पर ऐसे और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए तो आपका जो मिल्क है वो लीक नहीं होगा और उसमें कहीं कोई एयर भी नहीं जाएगा ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं कहीं ले जाना हो तो आप ले भी जा सकते हैं तो ये इसके साथ में मिलता है बॉटल मुझे अच्छी लगी ये बॉटल अलग से लेने के लिए ज़रूरत नहीं है और छोटे बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है सो तो ये बॉटल का हो गया और अब मैं आपको मेन यूनिट दिखाती हूँ तो ये मेन यूनिट है ये ये आपका ब्रेस्ट की तरफ लगता है और यहाँ पर आपकी बॉटल वगैरह जो होती है वो लगती है तो ब्रेस्ट पे लगाने के लिए आपको ये शील्ड मिलती है क्योंकि अगर आप इस तरीके से ब्रेस्ट पे लगाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं तो इसीलिए सिलिकॉन शील्ड इसमें दी हुई है इसको आप इस तरीके से लगा करके फिट कर दीजिए तो ये बहुत ही ईजिली इसमें फ़िट हो जाता है बस आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे से फ़िट हुआ हो तो देखिए ये अच्छे से इसमें फ़िट हो चुका है ये देखिए है ना ये अच्छे से यहाँ से फिट हो गया है तो ये अच्छे से घुसा हुआ होना चाहिए ये आपको देखना है ओके सो so, ये यहाँ से इस तरीके से लग जाएगा आपके आ, स्किन पे तो so, ये स्किन पे वहाँ पे सक्शन क्रिएट कर देगा और ये आराम से लगा रहेगा ओके सो so, यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ से मिल्क निकल करके स्टोर होता है तो so, यहाँ पर आपको एक ये पाइप जैसा दिया हुआ है छोटा सा तो so, ये इसमें घुस जाएगा ऐसे और यहाँ पर लग जाएगी आपकी ये बॉटल सिंपल और यहाँ पर ये आपका ये लग जाएगा इसको भी आपको अच्छे से लगाना है जितनी भी चीज़ें दी हैं बहुत ही ईजिल लग जाती है क्योंकि सिलिकन की है तो फ्लेक्जीबल है इसमें देखिए कहीं कुछ बिल्कुल भी सेकेंड्स का भी टाइम नहीं लगा और ये आराम से इस तरीके से लग गया इसमें ये देखिए है ना लग गया तो आपको ध्यान रखना है कि ये ढंग से लगा रहे ऐसा ना हो कि ऐसा कि या आपने कहीं से लगाया तो यहाँ से एक जगह से भी निकला रहेगा तो ढंग से पंपिंग जो है वो हो नहीं पाएगी तो बस सारे अटैचमेंट लग गए ये हैंडल है इसको आप यहाँ पर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है इस तरीके से आपको लगा लेना है दैट्स इट उसके बाद इसको आप यहाँ पर लगा लीजिए ये यह यहाँ पर लग जाएगा आपकी ब्रेस्ट पे और इस तरीके से आपको इसको पंप करना है आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अब बात ये आती है कि ये तो छोटी बॉटल है मान लीजिए छोटे बच्चे के लिए तो ठीक है लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ स्टोर करना चाहते हैं बड़ी बॉटल स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इस तरीके का ये एक्सटेंड करने के लिए भी आता है तो इसको सॉरी अगर आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये छोटी बॉटल नहीं आएगी अब इसमें आप कोई भी बड़ी बॉटल जो आती है वो आप इसमें लगा सकते हैं तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें छोटी और बड़ी दोनों तरीके की बॉटल लगाने का आ, मतलब सुविधा दी हुई है और ये बहुत ही है बस आपको तीन जगह लगाना है एक दो और तीन बस तीन जगह आपको ये चीज़ें लगानी है और जब आपका ब्रेस्ट पम्प का काम हो जाए तो उसके बाद आप इसको अलग अलग करके वॉश कर लीजिए तो ये देखिए एक ये यूनिट है इसको आपको आराम से गर्म पानी सोपी वाटर में आप इसको डाल दीजिए और ये सब कुछ आराम से वॉश हो जाएगा तो ये देखिए इसको भी आप डाल दीजिए बस और तो कुछ है ही नहीं इसमें सो तो ये सारी चीज़ें आप गर्म पानी सोपी वाटर में डाल देंगे तो ये आराम से स्टेरलाइज भी हो जाएगा और आराम से ये वॉश भी हो जाएगा सो तो यस यही है ये ब्रेस्ट पंप मुझे तो ये काफ़ी सही लगा काफ़ी कन्वीनियंट टू यूज़ है और ब्रांड brand, ब्रांडेड है इसमें जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो आराम से बी फ्री हैं सिलिकॉन है तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है तो चलिए अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं सो गाइस चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ रखना करना चाहिए और क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए तो डूज़ एंड डोंट्स साथ के साथ मैं बता दूंगी तो ये देखिए ये ब्रेस्ट पम्प जो हमने असेंबल कर लिया है तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये आपकी ब्रेस्ट पर जाएगा और आपको मेक श्योर करना है कि ये जो जो सेंटर एरिया है ये यहाँ पर आपका निपल आए और जितना भी ब्लैक एरिया है वो पूरा सेंटर पर आ जाए आपकी ब्रेस्ट का तो इस तरीके से जब आप से सेंटर में फिक्स करेंगे ऊपर या फिर नीचे साइड में ऐसा नहीं होना चाहिए सब कुछ सेंटर में होना चाहिए और अच्छे से आप इसे जब इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट कर देगा जिससे कि आपके जो ब्रेस है अच्छे से चिपका रहेगा तो एक हाथ से जब ये चिपक जाएगा तो एक हाथ से आपको बॉटल पकड़नी है और एक हाथ से आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको इस तरीके से आपको पंप करना है तो इनिशियली आपको पाँच छः पंप इस तरीके से थोड़ा फास्ट करना है तो उससे क्या होगा कि जो आपका मिल्क है वो उसमें कलेक्ट होने लगेगा इस वाली बॉटल में आप इसमें बड़ी बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं ये वाला अटैचमेंट लगा करके अभी फिलहाल इसके साथ यही छोटी बॉटल आई थी तो मैं ये लगा के आपको दिखा रही हूँ तो ये आपने लगा दिया और इनिशियली क्या होता है कि जब शुरू के आप दस बारह पंप करते हैं दस बारह बार जब आप इस तरीके से करते हैं तो हल्का हल्का जब मिल्क आपको आना दिखने लग जाए शुरू में जो मिल्क सप्लाई है वो थोड़ी स्लो रहती है धीरे 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 स्पीड बढ़ जाती है और और एकदम से आपका मिल्क जो है वो ज्यादा कलेक्ट होने लगता है तो आप इस तरीके से मिल्क जो है इसमें आप जब फुल हो जाए तो आप निकाल करके वापस से इसी में स्टोर कर लें इस तरीके से आप करिए डायरेक्टली किसी बर्तन वर्तन में मत करने लगेगा तो वो सही नहीं रहता है ओके okay, सो so, आपको इनिशियली स्पीड जो है वो फास्ट रखनी है और ग्रेजुअली जब इसमें मिल्क कलेक्ट होने लग जाए तो आपको अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लेनी है और फिर आपको लगे कि जब मिल्क जो मिल्क की स्पीड आ रही है मिल्क जो इसमें स्टोर हो रहा है वो अगर आप कम निकलने लगा है तो वापस से अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए फिर जब मिल्क ज़्यादा निकलने लगे तो अपनी स्पीड को इस तरीके से कंट्रोल कर लीजिए कम और ज़्यादा और नेक्स्ट चीज़ यह है कि आप सबसे ज़्यादा जो सुबह अगर आप आ, पंपिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिल्क जो है वो आपका सुबह प्रोड्यूस होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा पंपिंग सुबह कर सकते हैं तो आराम से आप आ, सुबह पंपिंग कीजिए और स्टोर कीजिए ग्रेजुअली जब आप दिन की तरफ रात की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी जो मिल्क सप्लाई है वो थोड़ी सी कम होने लगती है सो तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मिल्क आ, ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर रहे इसलिए हमारी सप्लाई कम होगी ऐसा नहीं है ऐसा नेचुरली होता ही है ओके सो नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आपको एक बार जो आपने पंपिंग सेशन लिया 15, 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का ऐसा रहता है अगर आपने उतना लिया जब तक कि आपको लग रहा है कि मिल्क आ रहा है उसके बाद जब आप नेक्स्ट सेशन लेते हैं उसके बीच में करीब एक डेढ़ घंटे का टाइम मिनिमम आप दीजिए ताकि ओवर पंपिंग भी ना हो वो भी कोई भी चीज़ ओवर में होती है तो ऑब्वियसली वो सही नहीं होती है तो इसीलिए नेक्स्ट पंपिंग सेशन जो है उसमें आप एक डेढ़ घंटे का दो घंटे का जो भी आप टाइम दे सकते हैं वो आप दीजिए एक ही ब्रेस्ट पे आप ज़्यादा देर तक पंपिंग मत कीजिए अगर आप दोनों ब्रेस्ट से पंपिंग करना चाह रहे हैं तो पाँच मिनट एक ब्रेस्ट पे फिर पाँच मिनट दूसरी पे ऐसे अल्टरनेट करके करेंगे तो एक ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा देर तक क्योंकि आप ज़्यादा देर तक करते जाएंगे तो भी मिल्क सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है तो दोनों पर अगर आप थोड़ा गैप कर करके करेंगे ना तो मिल्क सप्लाई भी थोड़ा उसको टाइम मिलता है बढ़ने का तो फिर आप अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में मिल्क जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्लिनलीनेस तो आपको थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना चाहिए उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब भी, भी आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करने जा रहे हैं तो बच्चे के खाने की चीज़ें इसलिए अब मेक श्योर कि आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके चाहे आप भले ही आप बैठे हुए थे कुछ नहीं किया फिर भी जब आप ब्रेस्ट पम्प यूज़ करने जा रहे हैं तो एक बार अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लीजिए और ड्राई कर लीजिए गीला कुछ भी मत रखिए और उसके बाद ब्रेस्ट पम्प यूज़ करना स्टार्ट करिए और जितने भी अटैचमेंट्स जो हैं आपके ब्रेस्ट से या मिल्क से कहीं से भी टच होंगे जितना भी कुछ यूज़ किया है आपने ब्रेस्ट पम्प में मेक श्योर कि क्स सेशन कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छे से आप वॉश कर लीजिए सोपी वाटर से ताकि कोई भी मिल्क का रेसिड्यू या आपके स्वेट का कोई रेसिड्यू ना रह गया हो उसमें आ, और वो बाद में मतलब उसके अंदर कुछ फंगल चीज़ें क्रिएट हो और वो बाद में जब आप नेक्स्ट सेशन में इसको यूज़ करें तो हार्मफुल होगा बेबी के लिए इसीलिए जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से सोपी वाटर से वॉश कर लीजिए और उसके बाद उसको पोछ करके एयर ड्राई कर दीजिए सूखने दीजिए और आप चाहें तो स्टेलाइजर का यूज़ करके दिन में एक बार आप अपने पूरे जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको आराम से स्टेरलाइज भी कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस में मिल्क आता है तो आप बेबी के फीड करने के बाद ब्रेस्ट पंप यूज कीजिए और एक्सेस मिल्क को आप निकाल दीजिए अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन आपका कम है तो बेबी का जो नेक्स्ट फीड टाइम आपको पता होगा दो घंटे ढाई घंटे क्या पैटर्न है आपके बच्चे का तो उसके फीड कर उसके जो भी फीडिंग टाइम हो रहा है उससे पंद्रह मिनट पहले आप पंपिंग कर लीजिए ताकि आपका जो ब्रेस्ट है वो स्टिमुलेट हो चुका हो और उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी हो ताकि आपका बच्चा जब फीड करे तो उसको मिल्क मिले और वो बोर ना हो आ, ऐसा भी होता है कभी कभी बच्चा कोशिश करता है उसको प्रॉपर्ली मिल्क नहीं मिलता उसका पेट भरता नहीं है तो वो बोर होकर छोड़ देता है तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो आप अपने बच्चे के फीड टाइम से पंद्रह मिनट पहले आप ब्रेस्ट पम्प से अपना आ, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर लीजिए और उसके बाद जब बच्चा फीड करेगा तो उसको मिल्क जो है वो प्रॉपर्ली मिलेगा तो वो बोर नहीं होगा तो ये दोनों ही केस के लिए काफ़ी अच्छा है जिनको मिल्क सप्लाई कम होती है या जिनको मिल्क सप्लाई ज़्यादा होती है तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर लीजिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है ये प्रो, प्रोसीजर जो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इट मींस कि आपने ढंग से ब्रेस्ट पंप को असेंबल नहीं किया है या फिर ढंग से अपनी ब्रेस्ट पे अटैच नहीं किया है क्योंकि अगर आप ढंग से इसको यूज कर रहे हैं ढंग से फिट है वो आपकी ब्रेस्ट पर तो आपको कभी भी पेन नहीं होगा तो अगर पेन हो रहा है तो वापस से फिर से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आपने कहा क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये पेन नहीं होता अगर पेन हो रहा है इट मीन्स कि आप प्रोसेस गलत फॉलो कर रहे हैं तो गाइज ये था आज का वीडियो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अगर आपको ये पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रेस्ट पंप परचेस करना है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और यस अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा सबके साथ में शेयर भी कीजिएगा तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर